हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टॉप 20 प्लेसेस ऑफ दुबई जो कि आपको जरूर विजिट करने चाहिए इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू दुबई। और इनमें से ज्यादातर चीजें आपको कोई ट्रैवल एजेंट नहीं बताएगा और ये सब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आती हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे डे वाइज आइटिनरी हर जगह की और वहाँ के टिकट प्राइसेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने पहले दिन की शुरुआत आपको हाफ डे सिटी टूर से करनी चाहिए जिसका कॉस्ट आपको लगभग 1500 रुपये पड़ेगा और उसके बाद यू शुड डायरेक्टली हेड टू दुबई मॉल जहां से बुर्ज खलीफा कनेक्टेड है और आपको 4 बजे से पहले अपना बुर्ज खलीफा टूर कर लेना चाहिए बिकॉज 4 बजे के बाद टिकट प्राइस कंपेरेटिवली थोड़ा महंगा होता है। बुर्ज खलीफा टूर के बाद यू शुड एक्सप्लोर दुबई मॉल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और कई सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड करता है। दुबई मॉल में बिगेस्ट स्टोर्स इन द वर्ल्ड के अलावा है ये एक्वेरियम जहाँ पर आप स्नॉकलिंग विद शार्क का टूर भी ले सकते हैं इफ़ यू हैव स्पेयर टाइम। और ये मॉल बहुत ही बड़ा है और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो टिप यही है कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहने जब भी आप मॉल्स विजिट करने जाए बिकॉज आपको काफ़ी चलना पड़ेगा यहाँ पर। और इसके अलावा मॉल ऑफ एमिरेट्स और इब्ने बतूता भी टॉप मॉल्स में आते हैं जो कि आपको ज़रूर विजिट करने चाहिए इफ़ यू हैव मोर टाइम। दुबई मॉल इज़ ऑल्सो पॉपुलर फॉर दिस डांसिंग फाउंटेन शो जो कि सनसेट के बाद एवरी हाफ एन आवर में होता है विच इज़ अ वेरी यूनिक एंड अ कम्प्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस टू वॉच। अपने दूसरे दिन की शुरुआत आप करें मिरेकल गार्डन से जो कि है फूलों की एक माया नगरी और जहाँ जाके आपको महसूस होगा कि आप एक सपनों की दुनिया में पहुँच गए हैं। बच्चों को ये गार्डन बहुत पसंद आएगा और यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी अच्छी फोटोज़ निकाल सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है जहाँ पे 50 मिलियन फ्लावर्स और 250 मिलियन प्लांट्स हैं। और ये जो आप एमिरेट्स का एयरबस देख रहे हैं ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोरल इंस्टॉलेशन बिकॉज इसके ऊपर मिलियन ऑफ फ्लावर्स लगे हैं ऑन अ सिंगल स्ट्रक्चर। अपना फर्स्ट हाफ मिरेकल गार्डन में स्पेंड करने के बाद आप जा सकते हैं दुबई फ्रेम जो कि 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर बीइंग द बिगेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड। एंड इट्स नॉट जस्ट अ फ्रेम, इसमें आपको दुबई का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी विच इज़ सो इंटरेस्टिंग टू वॉच कि दुबई कैसे एक बहुत ही गरीब और ऑर्डिनरी देश से आज दुनिया की मोस्ट फ्यूचरिस्टिक सिटी बन चुकी है। और इस म्यूजियम में आपको दुबई की पूरी हिस्ट्री देखने को मिलेगी जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाउ दुबई वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड दिस हैज टू बी इन योर दुबई बकेट लिस्ट। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट दुबई फ्रेम इज कि इसका फ्लोर पूरा ग्लास का बना हुआ है जिसपे चलना अपने आप में एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा यहाँ के फ्यूचर म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले सालों में दुबई कैसे दुनिया से अपने आप को स्टैंड आउट करता है। और अपने सेकेंड डे की इवनिंग स्पेंड करने के लिए बेस्ट जगह है लामेर बीच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट्स अ पब्लिक बीच और यहाँ पर कोई टिकट नहीं है और ये बहुत ही हैपनिंग बीच है। यहाँ पर बहुत सारे कैफेज़ और रेस्टोरेंट खाने के लिए और काफ़ी सारे स्टोर्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं, फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप यहाँ बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकते। और उसके अलावा दिस इज़ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस इन दुबई एंड एवरी टाइम हमारी फैमिली या फ्रेंड्स में से जब भी कोई हमें विजिट करता है तो हम उन्हें लेकर यहाँ पर ज़रूर आते हैं और उन सबको ये जगह बहुत पसंद आती है। एंड पर्सनली दिस इज़ माई फेवरेट बीच इन दुबई। और अपने तीसरे दिन की शुरुआत आप जुमेरा बीच या काइट बीच से कर सकते हैं जहां से आपको बुर्जुल अरब भी देखने को मिलेगा जो कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव होटल है और दिस इज द ओनली 7-स्टार होटल इन द वर्ल्ड। और ये दोनों बीच आसपास में ही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पब्लिक बीच है इसलिए यहाँ पर कोई टिकट कोई चार्जेस नहीं है और यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज होती हैं, सो इफ़ यू आर इनटू वाटर स्पोर्ट्स यू कैन रेंट इट फ्रॉम हियर। और शाम में आपको विजिट करना चाहिए ग्लोबल विलेज जो कि शाम को 4 बजे ही ओपन होता है एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस इन दुबई।
और शॉपिंग लवर्स के लिए तो ये एक पैराडाइज है, बिकॉज अगर आप दिल्ली से हैं और आप ट्रेड फेयर जानते हैं तो उसी तरह से यहाँ पर हर कंट्री को एक एरिया मिला होता है जिसमें वो अपने सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें वहाँ की सारी ख़ास चीज़ें, मिठाइयाँ, खाने पीने का, कॉस्मेटिक, कपड़े, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। तो यहाँ से आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे राइड्स भी हैं। तो एडवेंचर, शॉपिंग, हर चीज़ यहाँ, ये एक मेले की तरह है। यहाँ जाके आप 8-10 घंटे आराम से इंजॉय कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कहाँ गया। और यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक फेस्टिवल होते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई सिंगर, सेलिब्रिटी आया हुआ होता है, वहाँ पर कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, तो आप यहाँ सबसे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। डे 4 की शुरुआत आप करें अटलांटिस द पाम से, जो कि है द ओनली होटल बिल्ट ऑन अ मैनमेड आइलैंड। ये अटलांटिस होटल 5-स्टार होटल है और ये पाम आइलैंड पर बना हुआ है। ये आइलैंड पाम ट्री की शेप में है और पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वेल कनेक्टेड है और इसके लिए एक स्पेशल मोनोरेल चलाई गई है जो कि इस पूरे एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बनाती है। वैसे तो अटलांटिस का कोई टिकट नहीं है पर आप चाहें तो उसके अंदर लंच या डिनर करने या फिर कॉफ़ी पीने जा सकते हैं। विजिटर्स के लिए वो बिल्कुल फ्री है पर उसके अंदर द लॉस्ट चैम्बर सिटी है, एक्वेरियम है, एक्वेंचर वाटर पार्क है, आप डॉल्फिन के साथ स्विम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर है। और अटलांटिस के बाद आप जा सकते हैं डायरेक्टली मरीना वॉक, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक बिल्डिंग्स। और ये जगह आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट नहीं बताएगा पर यहीं पर ही है दुबई का द मोस्ट फेमस ट्विस्टेड टावर। मरीना वॉक में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं और वहाँ से आप जा सकते हैं JBR। इफ़ यू आर अ बीच पर्सन यू विल लव दिस। ये ट्राम से कनेक्टेड है तो आप मरीना वॉक से ट्राम लेकर JBR आ सकते हैं। और JBR के ऑपोजिट में ही अभी ब्लू वाटर्स करके एक नई जगह बनाई है जहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये जो आप फेरी व्हील देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा फेरी व्हील है। ब्लू वाटर्स और JBR एक ब्रिज से कनेक्टेड है जो कि बहुत ही वॉकेबल है और आप दोनों जगहें इस ब्रिज के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 5 में बारी है दुबई के हेरिटेज साइट से जुड़ने की। आप दिन की शुरुआत अल फहीदी फोर्ट म्यूज़ियम से कर सकते हैं जहां पे आपको मालूम पड़ेगा दुबई की हिस्ट्री के बारे में। यहां पे जाके आपको मालूम पड़ेगा कैसे दुबई एक पर्ल डाइवर नेशन होने के बाद कैसे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में तब्दील हो गया है। अल फहीदी में ही है एक जगह अलसीफ विलेज नाम से, जो कि यहाँ के नामचीन डेवलपर ने रिसेंटली बनाई है, जिसमें हर बिल्डिंग की शक्ल दुबई के पुराने घरों की जैसी है। आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी यहाँ पे घूमने के बाद। यहाँ पे आपको दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स मिल जाएंगे जो कि अंदर से बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे कि स्टारबक्स। और अलसीफ विलेज में बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ और मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। अल फहीदी में ही बहुत सारे ढाव क्रूज चलते हैं तो आप अपने शाम के ढाव क्रूज एक्सपीरियंस के लिए यहीं से बुकिंग करा लें। ढाव क्रूज का दाम होता है 1500 रुपये और ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ढाव का मतलब होता है अरब पेनिनसुला में चलने वाली पुरानी लकड़ी की शिप्स। ढाव क्रूज में मिलता है बुफे डिनर और उसके साथ होता है अरबिक डांस शो, जिसे देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। डे 6 की आप शुरुआत कर सकते हैं डेरा में शॉपिंग से। डेरा में ये एक दरम की आबरा चलती है जिससे आप पहुंच सकते हैं गोल्ड सुक में। यहाँ पे काफ़ी सारी गोल्ड की दुकानें हैं जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही अनोखे और ख़ूबसूरत ऑर्नामेंट्स। यहाँ पर आप देख पाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी जिसमें 5 किलोग्राम डायमंड और 64 किलोग्राम सोना है। यहाँ से आप अपने घर वालों के लिए डेट्स, चॉकलेट्स, परफ्यूम्स, ऊद, अबाया, कंदूरा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक दुबई के मॉल्स में शॉपिंग नहीं करी है तो आज का दिन आप अपने इस शॉपिंग के लिए ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम स्टोर्स में साल भर सेल लगी रहती है। तो आप अगर आए हैं यहाँ पे तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं।
शाम के टाइम आप डेजर्ट सफारी के लिए जा सकते हैं। डेजर्ट सफारी का दाम 3000 रुपये तक होता है, तो आप अपने टूर ऑपरेटर से पहले ही से ही बुकिंग करा लें। सफारी की शुरुआत ड्यून बैशिंग से होती है, जिसमें 4x4 गाड़ी के अंदर बिठा के आपको बड़े बड़े ड्यून्स पर ड्राइव किया जाएगा, जिसके बाद आप कैंप की तरफ जाएंगे, जहाँ पर आप डून बगी ड्राइविंग, कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। कैंप के अंदर में आपको कंप्लीट अरबिक एक्सपीरियंस दिया जाएगा। यहाँ पे आप अरबिक ड्रेसेस पहन के फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही लविश बुफे होता है और यहाँ का खाना आप ज़रूर से इंजॉय करेंगे। खाने के साथ यहाँ पे बहुत सारे एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेज होते हैं, जैसे कि कंदूरा डांस, बेली डांस, और इसके साथ साथ में एक फायर शो भी होता है। फायर शो बहुत ही अमेजिंग होता है, जिसमें आदमी अपने चांद पे खेल के आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता है। इस हिसाब से अगर आप हमारी वीडियो की आइटनरी फॉलो करते हैं, तो आप दुबई की टॉप 20 जगह मात्र 11,600 रुपये में घूम सकते हैं। और गाइस, तो था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।